कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने हरदा में आयोजित अन्न उत्सव में गरीब परिवारों को राशन की पात्रता पर्ची प्रदान की। ये गरीब परिवार बीपीएल राशन कार्ड होने के बावजूद राशन से वंचित थे। इस दौरान कमल पटेल ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया था, लेकिन जैसे ही प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और उन्हें मंत्री पद मिला, उन्होंने तत्काल गरीबों को अनाज दिलाने की पहल की। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का दायित्व है कि गरीब की थाली कभी खाली नहीं रहे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रदेश के 37 लाख परिवारों को राशन की पर्ची प्रदान करने का मुख्य आयोजन भोपाल में हुआ, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में पात्रता पर्ची का वितरण की औपचारिक शुरुआत की। हरदा जिले में 7,744 परिवारों के 26,673 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री कमल पटेल ने पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही वे सरकार में आए, उन्होंने तत्काल गरीबों को अनाज दिलाने की पहल की। तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ इस योजना की रणनीति बनाई गई, जो आज पूरी हो रही है। उन्होंने आज का दिन ऐतिहासिक भी बताया। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार गांव, गरीब और किसान की सरकार है। इन वर्गों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। सरकार का दायित्व है कि गरीब की थाली कभी खाली नहीं रहे, और इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। आज जिन गरीब परिवारों को पात्रता पर्ची दी गई है, उन्हें इसके आधार पर प्रति परिवार 5 किलो अनाज 1 रुपए किलो के भाव से दिया जाएगा। दो समस्या है, मैं आज कलेक्टर भी है गुप्ता जी, अभी मैं निर्देश दे रहा हूँ कि इसकी समीक्षा करिए और वो दोनों समस्याओं का निराकरण करिए कि जो भी अब हरदा जिले में गरीब है और भी रह गए। अभी एक आया, एक पर्ची आई कि भैया गरीब हूँ लेकिन गरीब रेखा में नाम नहीं लिख रहे, यह कोई पर्ची से छूट गया है। तो आप लोग भाई बहन, आपको तो आज पर्ची मिल गई, खाद्यान्न भी मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अपने पड़ोसी कोई बहन है उसका नाम छूट गया हो, कोई भाई है उसका नाम छूट गया हो, कोई बुजुर्ग है उनका नाम छूट गया हो। कांग्रेस का कुशासन आ गया था, लेकिन 15 महीने में निपटा दिया, फिर कमल खिला दिया और शिवराज जी के रूप में मुख्यमंत्री बन गए और कमल पटेल के रूप में कृषि मंत्री के रूप में किसानों की गरीबों की सेवा कर रहा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।